हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो हम रेशनल नंबर्स चैप्टर नंबर 9 का सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई दीज। ओके, सो पेज नंबर 175 में दो ट्राई दीज है, उस दोनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपके सामने ट्राई दीज दिया है। एक जैसे आपका रेशनल नंबर्स है, अगर रेशनल नंबर्स का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, तो उसके साथ अगर आप सेम जो इंटीजर्स को, दोनों में सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक दूसरा रेशनल नंबर बन जाता है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। वैल्यू चेंज नहीं होके दूसरा रेशनल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5/4 एक रेशनल नंबर है, इज इक्वल टू कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 के साथ कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करने से 16 होगा, ये 4 है। ठीक है, 4 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होगा। सेम वे यहाँ पे भी आप 4 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू बनेगा वो आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वो 20 बन रहा है तो उस तरह से आप लिखेंगे। सेम वे यहाँ पे 5 के साथ कौन सा जो इंटीजर है वो मल्टीप्लाई करने से 25 होना है, दैट इज 5। ठीक है, सेम वे आप नीचे में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे में 20 हो जाएगा यहाँ पे जब आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे यहाँ पे 5 में ऐसा कौन सा इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से -15 होगा, तो ऑब्वियसली 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 15 होता है, -15 है तो -3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे 4 के साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -12 आएगा। ठीक है, -12 आएगा, तो -12 -12 कट के आपका यहाँ पे 5/3 बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे आप, क्योंकि यहाँ इक्वल दिया है तो वैल्यू चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो -3 ही मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। सेम वे आप नीचे में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 7 का 14 हुआ है तो ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -6 हो जाएगा। तो सेम हुई यहाँ, जैसे -3 9 में कन्वर्ट हुआ है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, मतलब और एक नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, -3 होगा। तो सेम हुए यहाँ पे भी आप -3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -21 होगा। ठीक है, -21। तो सेम हुए यहाँ पे -6 हुआ है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे भी आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 14। ओके, सो ये आपका ट्राई दिस सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट ट्राई दिस, हम अभी जो है इसी पेज में दूसरा ट्राई दिस है उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने आ गया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है ईच 5 ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। यस, 5 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/1 विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है। ठीक है, लिस्ट 5 मोर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर मीन्स जो दोनों, उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है आपका, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोला जाता है। 0 जो है नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, ना कि वो पॉजिटिव है ना कि वो नेगेटिव है। सेम वे आप पॉजिटिव में 1/2, 5/3, 5/6, ठीक है, 8/9 कुछ भी आप लिख सकते हैं, 3/7 कुछ भी आप लिख सकते हैं जो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन गुड बाय। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।